मॉर्निंग बेटा, आज हम क्लास फोर्थ का हिंदी का पार्ट दूसरे का सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं, दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में देखा था समाचार पत्र के माध्यम से कि समाचार पत्र में जो घटनाएं होती हैं वो कैसे छापी जाती हैं, ये सब क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते हैं, ठीक है। तो अब उनके बारे में जानते हैं कैसे क्या होता है काम, ठीक है। समाचार पत्रों में, अखबार में देखते हैं बेटा क्या है। समाचार पत्रों के विषय में जानने के लिए इतने सारे प्रश्नों के बारे में जानना अति आवश्यक है। जो हमने अभी ऊपर प्रश्न किए थे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जो हमें पता नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो मतलब हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें छापना है और कैसे अखबार में काम करना है, ठीक है। भारत में सबसे पहला अखबार मुगल काल में अरब बरात ई मुअल्ले के नाम से निकला था। ये जो नाम है ये मुगल काल में निकला था, जब मुसलमानों का शासन हुआ था तब, ठीक है। फर्स्ट अखबार का नाम है ये। उसके बाद हिंदी में उदंत मार्दंड के नाम से अखबार निकला। हिंदी में जो निकला वो इस नाम से निकला। पहले अखबार हाथ से लिखकर निकाला जाता था। पहले जो बेटा होता था वो अखबार हाथ से ही लिखते थे, ठीक है। जो भी न्यूज़ है लिख दिया करते थे हाथ से, प्रिंट नहीं हुआ करता था, क्योंकि तब छापे खाने नहीं थे, छापने का कोई खाना नहीं बना होता था, तो इस वजह से वो लोग हाथ से लिखते थे और सेंड कर देते थे लोगों को। परंतु छापा खाना जैसे ही प्रचलन में आया, अखबार छापे जाने लगे और उसकी संख्या भी बढ़ने लगी। क्या हुआ? धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीता, छापे खाने आने लग गए, मीन्स छापने की मशीनें आने लग गई और हम प्रिंट करना शुरू करने लग गए और अखबार की भी संख्या बढ़ा दी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अखबारों को बेचे, और लोग भी डिमांड करने लग गए, बहुत सारे लोग लेने लग गए, अपने घरों में मंगवाने लग गए। आज तो समाचार पत्र हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है, बिल्कुल बन गया है। लोगों को तुमने घरों में देखा होगा, बिना न्यूज़पेपर के तो बहुत ही कम घर रहते हैं, अदरवाइज सबके घरों पर न्यूज़पेपर आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का। हमारी सुबह अखबार से ही होती है, क्योंकि आज के युग में अखबारों में केवल इधर उधर घटी घटनाओं का ब्यौरा मात्र ही नहीं होता, अपितु उनमें साहित्य, राजनीति, धर्म, खेल कूद, मनोरंजन, सिनेमा, दूरदर्शन, सांस्कृतिक गतिविधि, आय व्यय का उतार चढ़ाव, चीज़ों के भाव, जमीन जायदाद और न्याय क्षेत्र से जुड़े समाचार बहुत बड़ी संख्या में छपने लगे हैं। क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया था इसमें बॉलीवुड का भी दे रखा होता है, स्पोर्ट्स का भी दे रखा होता है, जैसे यहाँ खेल कूद का, मनोरंजन का मैंने बताया। और क्या आय व्यय, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है, इनकम कितनी हो रही है, और रेट क्या चल रहा है जायदाद वगैरह का, आज अगर जो कोई लॉ निकला है तो क्या है, हर चीज़ की मतलब जानकारी हमें किससे पता चल सकती है? न्यूज़पेपर से। तो आज हमने सेकंड पार्ट में देखा कि फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा आया था, फिर हिंदी का न्यूज़पेपर का क्या नाम क्या है, और उन न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलती है हमें, तो इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। और फिर क्या होया, पहले हम लोग अखबार क्या करते थे, हाथ से करते थे, छापते थे और लिखते थे और फिर लोगों को सेंड करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मशीनें आने लग गई, तो इन सारी चीज़ों की हमने जानकारी प्राप्त की। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम देखेंगे कि कौन कौन से अखबार हैं और कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से देशों की और न्यूज़ें, बहुत सारे देशों की न्यूज़ प्राप्त होती है आपको, ठीक है, उन अखबारों में भी, तो कहीं ना कहीं कहाँ पे प्राप्त होती है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, और कब वो आया हमारे प्रचलन में, ठीक है, समाचार कब स्टार्टिंग हुई, तो वो सब देखेंगे किस देश में कब हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इस क्लास का जो होमवर्क है वो आपका ये है बेटा, प्रश्न नंबर एक जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपके, का और खा आपको करना है कि भारत में हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार कौन सा था, आपको पीछे बताया है। समाचार पत्र हम क्यों पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर, सामने ही लिख देना आंसर अभी। और दूसरे का आपको का और खा पे निशान लगाना है, अगर जो ये स्टेटमेंट पढ़ोगे सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान, आप देख के लाइन पढ़ोगे आपकी किताब में आई होगी ये लाइन, ठीक है। बाकी बहुविकल्पीय जो क्वेश्चंस हैं आप सारे ही पढ़ोगे, एक से लेके चार तक दे रखे हैं, ये सारे ही आप पढ़ोगे और इसमें बुक में ही निशान लगाओगे। तो यही आपका होमवर्क है और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।